रूल क्या है मैं आपको बताता हूं। रूल ये है कि वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास। यस, वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास बट यू कैन क्रिएट द एनोनिमियस ऑब्जेक्ट ऑफ अ अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब हम बहुत बार ऐसे कहते हैं कि हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या नहीं कर सकते, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बट आपको पता है आप उसका एनोनिमियस ऑब्जेक्ट जरूर बना सकते हैं। यदि देखिए अभी क्या होता है ना कि ऐसा कंपल्सर नहीं है, मीन्स आप याद रखिए, मीन्स यू कैन यूज द अब्स्ट्रैक्ट क्लास, वी कैन यूज द अब्स्ट्रैक्ट क्लास विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस एंड कैन ओवरराइड इट्स मेथड। राइट, एनोनिमियस इनर क्लास, आप ऐसे बोलिए एनोनिमियस इनर क्लास ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास। फिर सवाल है व्हाट इज द एनोनिमियस इनर क्लास, मैं आपको बताता हूं। एनोनिमियस इनर क्लास क्या है? वी कैन से एनोनिमियस इनर क्लास मीन्स इनर क्लास वेयर वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास as well as provide the implementation or definition of a class method in terms of overriding and it is a local inner class। यही भी चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था मैं आपको anonymous inner class inheritance में पढ़ाऊंगा, पता है हमने तीन inner classes देखे थे, कौन से गायब, कौन से सिंपल नेस्टेड क्लास, स्टार्टिंग नेस्टेड क्लास, लोकल नेस्टेड क्लास, और ये हमारा चौथा है, कौन सा एनोनिमियस। देखिए अगर मान लीजिए कभी अगर आपने यहां पे ऐसे देखा, देखिए यहां पे आप आइए, मैं आपको बता दूं यहां पर आइए, ये देखिए ये अभी आपका क्लास ये है बराबर। अभी आपके पास इसे यूज करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसे इनहेरिटेंस के जरिए यूज कर सकते हैं एक पॉइंट, या तो आप इसे एनोनिमियस इनर क्लास के जरिए भी यूज कर सकते हैं, ये भी आपके लिए दूसरा पॉइंट है। इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट? देखिए अभी तक तो हमने इनहेरिटेंस के जरिए बहुत बार यूज किया है, बट क्या हम इसे ऐसा कर सकते हैं? ये ऑफ ए वन इक्वल्स टू नी ऑफ ए पॉसिबल है? नहीं, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, बट आप यहां पे आके ओपनिंग और क्लोजिंग दीजिए। इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट? मैंने यहां पे क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, बट उसका डेफिनेशन भी लिखा है ना। तो इस तरीके का जो क्लास लिखना होता है इसे कहते हैं टेक्निकली एनोनिमियस इनर क्लास। क्या कहते हैं? अगर आप यहां पे आएंगे तो यू हैव टू राइट, आपको यहां लिखना है पब्लिक, पब्लिक वाइड, क्या लिखेंगे आप? मैंने यहां पे क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना दिया है, आई एम शो फ्रॉम एनोनिमियस इनर क्लास, और मैंने लिखा है ये वन डॉट शो सेव इट। अभी आप अगर यहां पे आएंगे तो नहीं, मतलब मैंने आपको बताया था अगर आपको लगता है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के यूज करना पड़ेगा तो आप या तो उसको दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट करें या उससे आप एनोनिमियस इनर क्लास की तरह क्या करेंगे, बोलिए इसका आप एनोनिमस इनर क्लास लिखेंगे यस और नॉट, और इसके मेथड को ओवरराइड करेंगे, दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? ये भी एक रूल है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि वी कैन यूज द एनोनिमस इनर क्लास और वी कैन यूज द अब्स्ट्रैक्ट क्लास बाय यूजिंग एनोनिमस इनर क्लास आल्सो, ये भी एक पॉसिबल हो सकता है। इज इट क्लियर यस और नॉट?